क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आपसे कोई पूछता है कि आपने कल रात को क्या खाया था, तो आप बता नहीं पाते हैं। फिर आपको लोग कहते हैं अच्छा चलिए ये बताइए कि आपने लंच में क्या खाया था, तो आपके दिमाग में वो भी नहीं आता है। आपको पता है जो हमारा ब्रेन इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख पाता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपका ब्रेन धीरे धीरे कर कर अपने कॉग्निटिव पावर खो रहा है। मैं हूं ध्वनि और आप देख रहे हैं NBT लाइव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो हम रोजाना करते हैं और इससे हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम रोजाना करते हैं और वो भी हमें पता नहीं होता है कि ये हमारे ब्रेन के लिए कितनी खतरनाक है। ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा है। हम अक्सर हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, लिवर हेल्थ की बात करते हैं और स्किन केयर की बात करते हैं, पर असल में हम ब्रेन की बात करना भूल जाते हैं जो कि इन सभी ऑर्गन्स को चलाने का रोल प्ले करता है। हम ये तो जान लेते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, पर हम ये भूल जाते हैं कि ब्रेन की अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो आपके ब्रेन को डैमेज करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन यूज करने की। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम रोजाना करते हैं और कुछ लोग तो पूरे दिन करते हैं, पर क्या आप जानते हैं एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि रोजाना फोन यूज करने से और स्पेशली अंधेरे में फोन यूज करने से आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोन में से निकलने वाली रेज आपकी ब्रेन की नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं। जब भी हम फोन को अंधेरे में देखते हैं तो उससे हमारी आंखों पर भी प्रेशर पड़ता है, साथ ही हमें पहचानने के लिए ब्रेन पर भी प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से हमारा ब्रेन इस वजह से कमजोर पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी की। दूसरा है हमारी डाइट पे फोकस करना। अगर हम डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान हम जंक फूड पर या फिर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर डाल रहे हैं, तो इससे भी हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम एक अच्छी डाइट फॉलो करते हैं उससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ब्रेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन के, और ब्रेन के लिए सारे ही न्यूट्रिशंस और मिनरल्स जरूरी होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिशन का वैल्यू कम हो जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं जब भी हम न्यूट्रिशन का इनटेक कम कर देते हैं, तो इससे ब्रेन फंक्शन में दिक्कत आ सकती है और इस तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अल्जाइमर हो सकता है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, साथ ही कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और कई लोगों में न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसी वजह से जरूरी है कि अपनी डाइट के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स जरूर ऐड करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर विटामिन के भरपूर होता है जो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है, साथ ही आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाता है। आपने सुना होगा, आपकी दादी नानी जरूर कहती होंगी कि बादाम खाया करो, अखरोट खाया करो, इससे आपका दिमाग तेज होता है। असल में ये कहना उनका बिल्कुल सही है। जब भी हम ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो इससे ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसकी आदत आजकल यंगस्टर्स को काफी ज्यादा है, स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर काफी सारे टॉक्सिन्स जो है इकट्ठा हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स को कितनी दिक्कत होती है, हमारे थ्रोट को कितनी दिक्कत होती है। इसी तरह से हम ये भूल जाते हैं कि स्मोकिंग करने से हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी न्यूरो हेल्थ को भी बहुत फर्क पड़ सकता है। आपको बता दें, जब भी हम स्मोकिंग करते हैं इससे ब्रेन के अंदर ब्रेन फॉगिंग हो सकती है। ब्रेन फॉगिंग उसको कहते हैं जब भी आपको चीजें एकदम से आप भूलने लगें, जैसे कि आप क्या बात कर रहे हैं आप वो भूल जाएं, आप अपने रीसेंट इंस्टेंसेस भूल जाएं, जैसे कि आपने कल क्या खाया था, आपने सुबह क्या खाया था, अपने दोस्तों का नाम भूल जाएं, ऐसी चीजें ब्रेन फॉगिंग में आती हैं और ये एक्सेसिव स्मोकिंग के बाद ज्यादा देखी जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप स्मोकिंग की हैबिट बिल्कुल छोड़ दें। अब बात करते हैं हमारी लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल की वजह से भी ब्रेन डैमेज हो सकता है। कई लोगों को आदत होती है कि देर रात तक जागने की। देर रात को जागने से आपकी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग खराब हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप रात को जागेंगे तो या तो आप बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा फोन देखेंगे, या फिर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस वजह से आपकी पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके ब्रेन पर, क्योंकि रात को ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि रात को हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। इस वजह से कई लोग अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस रात को लेते हैं। पर आपको बता दें कि जब भी आप रात को अगर आपको नींद ना आए, आप कोशिश करें कि आप काउंटिंग कर रहे हैं या आप कोई बुक रीड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अपने फोन के, बिकॉज फोन यूज करने से आपकी जो नींद है वो और भी ज्यादा डिले होती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप रात को सोने जा रहे हैं तो अपने फोन को साइड रख दें करीब आधा घंटा पहले से, ताकि आपको नींद टाइम पर आ जाए। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि अगर आपको रात को क्रेविंग हो रही है, कुछ भी खाने का मन कर रहा है, तो आप या तो सिर्फ फ्रूट्स खाएं या फिर आप हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएं। अगर आप प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की तरफ जाएंगे तो उससे डायबिटीज का खतरा पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा पड़ सकता है,
जिस वजह से आपको और भी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपको रात को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग किसी भी चीज की क्रेविंग होती है, या अगर आपको लगता है कि अगर मैं रात को जागूंगा या जागूंगी तो मुझे स्मोक करने का मन करेगा तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो ये आपका मानना बिल्कुल सही है। अगर आप रात को टाइम से सोते हैं तो कोशिश करें कि आप रोजाना एक ही टाइम पर सो रहे हैं, सो दैट आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को एक टाइम टेबल फॉलो करने की आदत पड़ जाए। आपको बता दें, रीसेंट स्टडी में बताया गया है कि देर रात सोने से या रात को बिल्कुल नहीं सोने से भी आपको मौत का खतरा हो सकता है, और इसका कारण सिर्फ आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि रात को सोने से क्या होगा, इससे अच्छा है हम अपना टाइम या तो फ्रेंड्स के साथ बिता लें, या फिर हम कहीं घूमने चले जाएं, या पूरी रात अपना फ़ोन यूज़ कर लें, पूरी रात कोई मूवी देख लें या गेम्स खेल लें, और लोग सोने को इग्नोर करते हैं। पर आपको बता दें, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि अगर आप रात की नींद पूरी अच्छे से नहीं लेते हैं तो उससे आपकी मौत भी हो सकती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।